बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी बेबी? ठीक हूँ शुक्र अल्लाह पाक का। जी आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त एक पास्ता की रेसिपी लाई हूँ, इनके बड़ी जल्दी को बन जाएगा वो। उसके लिए मैंने क्या करना, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको सौते करना है, और उसमें फिर ये देखिए आप कटी हुई ये कैबेज है और ये शिमला मिर्च है, बस ये डाल देनी है। देखिए कितना ईजी सा है, इसमें मैंने ये शिमला मिर्च और ये कैबेज डाल देनी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इजी वे में बताऊँगी आपको। देखिए मैंने डाल दी इसमें कैबेज और शिमला मिर्च, गाजर। अभी थी नहीं घर में और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे बच्चों को बाहर ही भेजा, गर्मी की वजह से गर्मी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये उसमें मैंने हाफ के जी जो है आलू बॉईल किए हुए हैं ये भी डाल दिए हैं। ठीक है, और ये देखिए आपको मैं ये दिखाती हूँ, कीमा जो है ये मैंने तकरीबन हाफ के जी है, उसमें मैंने एक बड़ी प्याज डाल के कीमे में, और इसमें मैंने काली मिर्च डाली है हाफ टी स्पून, और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया। ठीक है, और ये बस हमने ये देखिए कितना ईजी बनाना है। अभी हम मिक्स कर रहे हैं, आपने देखा थोड़ा सा बस इसको करेंगे, बस इसमें अभी आप देखिए ये क्या बिल्कुल ईजी वे में बताया आपको, बस लहसुन डालो, उसमें लहसुन सोते किया और उसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल दी हमने। ठीक है, तो ये मेरे पास थी तकरीबन 3-4 शिमला मिर्च थी मेरे पास, और एक बंद गोभी थी जो होती है सैलड वाली। ठीक है, कैबेज से कहते वो है, और हाफ के जी से मैंने पोटैटो डाल दिए, और हाफ के जी में बस कीमा रखा हुआ था तो मैंने हाफ के जी कीमे को फ्राई करके रख लिया है। और ये मेरे पास दो किस्म के मकौनी थे, देखिए ये वाली भी हैं, ये मैं अब इसमें डाल दूँगी ज़रा सा हो जाए। ये मैक्रोनीस में बेटा ये मैं मैक्रोनीस है, ये स्पायरल वाली, और ये देखिए दोनों ये मैंने बॉईल करके रख ली है इसमें मैंने, और इसके अंदर मैंने फिर वो एक चम्मच ऑयल भी डाला था बॉईल करके ताकि कुछ पकती नहीं है, और नमक डाल दिया था मैंने थोड़ा सा बॉईल करते हुए, और इसमें जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो आपको मैं बताती जाऊँगी। बिल्कुल ईजी सी होती है कि कितनी क्विक बनने वाली है। ये देखिए चाहिए एक बड़ा पिसा, इसमें जो है ये कीमा भी है, ये मोटा का मोटा कीमा है, हाथ वाला बना हुआ कीमा भी डाल दूँगी मैं, और इसमें मैक्रोनीस भी डाल दूँगी। ये देखिए आप, ये मैक्रोनीस बेटा कैमरा आप इस पे रखें ना, इस पे फोकस नहीं कर रहे आप, ये देखिए बेटा ये कैमरा, ये देखिए ये मैं मैक्रोनीस भी डाल दूँगी बॉइल की हुई, इसे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें सॉल्ट, और ये तकरीबन काश चिली पाउडर मैंने डाली है 1 टेबल स्पून एंड हाफ। ठीक है, 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, और ये वाइट पेपर है मैंने 1/2 टेबल स्पून वाइट पेपर डाल दिया है, और फिर से मैं डालूँगी ब्लैक पेपर इसमें ज़्यादा जाती है। ठीक है, मैं डाल दूँगी तकरीबन इसमें फुल टेबल स्पून। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें चल रही है ये ब्लैक पेपर, और इसमें चाहिए तकरीबन 6-8 टेबल स्पून इसमें ये केचप चाहिएगी सिंपल, और गार्लिक सॉस है इसमें चाहिए, गार्लिक सॉस इसमें चली गई है 5-6 टेबल स्पून। ठीक है, और फिर इसमें जाएगा सिरका, फिर सिरका गया इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून, और इसमें सोया सॉस है वो भी गया इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। ठीक है, गैस है मुझे तो आप लोग बेशक नाप भी कर लीजिएगा, बस मिक्स करना। देखिए वेजिटेबल वैसे तो बच्चे नहीं खाते, तो गर्मी थी मैं बाहर तो बच्चे को नहीं भेज रही, तो मैंने कहा जो घर में वेजिटेबल पड़ी हुई है उसी से मैंने ये आपको पास्ता बनाकर दिखा दिया। ये देखिए जी ये जूसी सा अच्छा ज़बरदस्त सा पास्ता तैयार है हमारा, ये हमारा पास्ता रेडी है।
इसको 2 मिनट हम दम पे रखेंगे और ये फिर हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखिए जी हमारा ये देसी सा पास्ता तैयार है। बड़ा यम्मी सा, टेस्टी सा है, जूसी सा है, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि वो केचप भी गई है इसमें, इसमें चिली गार्लिक सॉस भी हमारी गई है। और वेजिटेबल बच्चे नहीं खाते, तो बच्चे वेजिटेबल ही खाते, तो फिर इसी बहाने ये होता है कि चले मैक्रोनीज ये डाल के हम लोग बच्चों को वेजिटेबल भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप लोग बनाया करें तो बच्चे वेजिटेबल भी ले लेंगे। तो अभी मैंने इसमें कैरेट ही डाली, क्योंकि कैरेट के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता, भाई बहुत गर्मी हो रही आज, तो मैं नहीं भेजती बच्चों को गर्मी में, तो विदाउट किसी भी चीज़ के मैं बना लेती हूँ। तो बाकी चीज़ें घर में थी, यानी कि इसमें शिमला मिर्च और वो कैबेज गई है, इसमें आलू गए हैं, कीमा है, और दो तरह के पास्ता, ये दोनों डाल के मैंने, तो ये मैंने चीज़ें डाल के घर में बना लिए। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, मगर देसी सी हमारे स्टाइल की है, लेकिन ये आपको बड़ी पसंद आएगी, बड़ी जूसी सी, बड़ी टेस्टी सी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, कॉमेंट्स देने। अल्लाह हाफिज़।